हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी और हम देख रहे हैं रिडक्शन फार्मूला फॉर 10x होल टू द पावर n। मतलब 10x की अगर पावर 10 हो, 6 हो, 4 भी हो, 2 भी हो, तब भी काम करेगा, पर ज़्यादा पावर्स के लिए काम करेगा। और इसके ऊपर बेस्ड एक डेफिनेट इंटीग्रल का भी क्वेश्चन आता है, बहुत ज़बरदस्त, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। आप साथ बने रहे। ये है 10x टू द पावर एन, ये रिडक्शन फार्मूला है। रिडक्शन फार्मूले के लिए आपको इसको ऐसा लिखना होगा, 10x बिल्कुल आसान है, n माइनस 2 इंटू टेन स्क्वायर एक्स। इस टेन स्क्वायर एक्स को आप लिख दें sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx, और इंटीग्रल को 10x टू द पावर n माइनस 2 sec स्क्वायर x dx सेपरेट कर दें, 10x टू द पावर n माइनस 2 dx। और मान लें कि ये इंटीग्रल जो है वो IN है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये इंटीग्रल हो जाएगा आई एन माइनस 2। और इसको इंटीग्रेट करने के लिए आप 10x को t ले लें, बिल्कुल आसान है। और इसका एप्लीकेशन जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको मज़ा ही आ जाएगा इसमें, और लेवल भी अच्छा है इसका, बड़ा कंसेप्चुअल प्रोसीजर और JEE के लिए एक नंबर प्रॉब्लम। अब t इज इक्वल टू रख दें 10x, फिर मैं इसको अप्लाई करके भी दिखाऊंगा, आप पूरा प्रोसीजर आप देखना, आपको मज़ा आ जाएगा। dt by dx sec square x, और dx को यहाँ भेज दें, टाइम बचा लें, तो IN इज इक्वल टू क्या होगा, t टू द पावर n माइनस 2 dt माइनस IN माइनस 2 t टू द पावर n माइनस 2 का इंटीग्रल t टू द पावर n माइनस 2 प्लस 1 अपॉन n माइनस 2 प्लस 1 माइनस IN माइनस 2। इंटीग्रल कांस्टेंट की आप चिंता अभी ना करें, मैं बाद में लगा दूंगा। तो ये हो गया आपका इंटीग्रल 10x टू द पावर n माइनस 1 होल टू द पावर है। आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, आपको अगर ऐसा लिखने में दिक्कत आए तो ये लिख दिया, होल अपॉन n माइनस 1 माइनस IN माइनस 2। इंटीग्रल कांस्टेंट एट द लास्ट लगा देंगे, n शुड नॉट बी व्हाट, n शुड नॉट बी 1। अगर n की वैल्यू 1 हो गई तो क्या होगा, तो n की वैल्यू अगर 1 हो जाएगी तो फिर ये क्या हो जाएगा, 10x टू द पावर 1 हो जाएगा। तो 10x टू द पावर 1 का इंटीग्रल तो आप लिख ही सकते हो। देखो, अगर n की वैल्यू 1 हो गई तब क्या, तो n की वैल्यू अगर 1 हो तो फिर 10x टू द पावर क्या हो गया, 1 हो गया। अब इसका इंटीग्रल तो आपको आता है, लॉग ऑफ sec x या फिर माइनस लॉग cos x प्लस c। लेकिन अगर आपकी पावर 1 से ज़्यादा है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, तब आप इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं। तो अगर मेरे पास मान लीजिए कि 10x की पावर 6 है, 6 में आपको लगा के दिखाता हूँ, तो 6 में कैसे होगा, मेरे पास है IN जिसको बोला था 10x टू द पावर n था, अब मैंने इसकी जगह क्या ले लिया, I6 10x टू द पावर 6। अब देखो आप यहाँ पे ये फार्मूला है, अगर ये फार्मूला मैं यहाँ लगाऊंगा तो IN क्या बन जाएगा, मेरा IN क्या बनेगा, 10x टू द पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 माइनस IN माइनस 2। तो क्या होगा, I6 हो जाएगा
टेन एक्स टू द पावर फाइव, होल टू द पावर फाइव ही है वो, यहाँ पे एन की जगह सिक्स रख दें, सिक्स माइनस वन, सिक्स माइनस वन, माइनस माइनस में आ जाएगा आपको टेन एक्स टू द पावर आई एन माइनस टू है, तो आई एन आई सिक्स ये है तो आई फोर हो जाएगा। तो चाहो तो मैं यहाँ आई फोर लिख देता हूँ, आई फोर की वैल्यू लिखना पड़ेगी आपको, आई फोर, आई फोर क्या है आपका, ब्रैकेट में लिख देता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा आपका आई फोर। आई फोर मीन्स क्या, आई फोर मीन्स इंटीग्रल ऑफ टेन एक्स टू द पावर फोर। अब फिर फार्मूला लगा दें हम, फिर फार्मूला लगा देंगे, यही फार्मूला लगाना है आपको, ये ध्यान रखेंगे आप फार्मूला इसी तरीके से कॉट एक्स टू द पावर एन माइनस कॉट एक्स टू द पावर एन का भी बना सकेंगे आप। तो देखिए अब ये क्या बन गया आपका, टेन एक्स टू द पावर फाइव अपॉन फाइव एज इट इज, नो चेंज, माइनस इसमें भी लगाएंगे फार्मूला आप आई फोर में, तो आई फोर अगर यहाँ पे होगा तो यहाँ पे हो जाएगा टेन एक्स पावर फोर माइनस वन अपॉन फोर माइनस वन, तो माइनस के बाद ब्रैकेट टेन एक्स टू द पावर फोर माइनस वन अपॉन फोर माइनस वन, जैसे इसमें सिक्स माइनस वन अपॉन सिक्स माइनस वन हुआ, फोर माइनस वन फोर माइनस वन, माइनस अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई फोर की जगह क्या आ जाएगा आपका, आई टू आ जाएगा। जब आप इस पर फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे फोर रखेंगे, यहाँ पे फोर माइनस वन फोर माइनस वन या फोर माइनस टू आई टू, आई टू क्या होगा, तो आई टू मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ आपको यहीं पर, आई टू हो जाएगा आपका इंटीग्रल टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। आप चाहो तो ये हो गया आपका टेन एक्स टू द पावर फाइव अपॉन फाइव माइनस टेन क्यूब एक्स अपॉन थ्री, माइनस आप यहाँ पे फिर फार्मूला लगा सकते हैं चाहे तो, और चाहे तो टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन करके भी कर सकते हैं, और अगर आप फार्मूला लगाते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं। तो देखिए क्या होगा, तो यहाँ लगा दीजिए फार्मूला, तो फार्मूला लगाएंगे आप तो फिर ये यहाँ पर टू रखना पड़ेगा आपको, तो ये हो जाएगा आपका टेन एक्स टू द पावर टू माइनस वन अपॉन टू माइनस वन, माइनस अब यहां पर आ जाएगा आई जीरो। आई जीरो क्या होगा, तो आई जीरो भी मैं आपको समझा देता हूं कि आई जीरो क्या होगा आपका, तो ये कैंसिल कर दूं मैं, आई जीरो क्या होगा, तो आई जीरो होगा आपका ओके ये माइनस, ये माइनस इनटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस ये हो गया आपका टेन एक्स अपॉन वन माइनस आई जीरो, आई जीरो हो जाएगा आपका टेन एक्स टू द पावर जीरो इनटू डी एक्स। तो ये हो गया आपका इंटीग्रल बिल्कुल आसान तरीके से, और फिर एक बार आप सीखे तो उसके बाद तो आप चैंपियन, बिल्कुल चिंता नहीं करना। आप देखो अल्टरनेटली भी आ रहा है, फाइव फाइव थ्री थ्री माइनस प्लस ऐसे चल रहा है आपका, टेन एक्स बाय वन, ये होल टू द पावर जीरो है तो वन, और वन का इंटीग्रल होगा एक्स, और मैंने आपको कहा था इंटीग्रल कांस्टेंट हम कहाँ लगा देंगे, प्लस सी आखिरी में लगा देंगे, और बिल्कुल आराम से देखो आप किस तरह से इंटीग्रल इसका चलता है, फाइव फाइव थ्री थ्री। अगर आपको